14 जुलाई 2015 को नासा का न्यू होराइजन मिशन जब प्लूटो को फ्लाई बाय किया, तब हमें कुछ ऐसी जानकारी और तस्वीरें मिली जिसे पहले हम बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि ना तो हबल टेलीस्कोप से प्लूटो की तस्वीर ली जा सकती थी और ना ही वॉयजर मिशन के दौरान हमने इसे फ्लाई बाय किया था। न्यू होराइजन मिशन के दौरान हमने जाना प्लूटो के पास एक नाइट्रोजन रिच एटमोसफेयर है जो काफी हद तक पृथ्वी के जैसी ही है, और इसका कोर अभी तक एक्टिव है जिससे यहाँ एक्टिव आइस वोल्केनो होने के भी प्रमाण मिले हैं। दिन के समय इसकी सरफेस पर जमी हुई बर्फ भाप बनकर उड़ने लगती है और रात को यहाँ का तापमान अकल्पनीय ढंग से बहुत नीचे चला जाता है। न्यू होराइजन मिशन प्लूटो को फ्लाई बाय कर काइपर बेल्ट में अपनी यात्रा आज भी जारी रखे हुए है, लेकिन आज भी हमारी जानकारी प्लूटो के बारे में अधूरी ही है। न्यू होराइजन जब प्लूटो के 12,500 किलोमीटर की दूरी से गुजरा, तब वैज्ञानिकों के पास इसे अध्ययन करने के लिए मात्र कुछ ही दिन का समय था, जिससे ये 50% से भी कम हिस्से की जानकारी ये जुटा सका। तो क्या हमें एक और प्लूटो मिशन की जरूरत है? हाँ, इस बार प्लूटो के ऑर्बिट में रहकर उसके ज्ञात पांचों चंद्रमाओं की भी गहराई से अध्ययन करना होगा। हमने 5.5 करोड़ लाइट ईयर दूर स्थित मेसियर 87 के सेंटर में बसे हुए सुपर मैसिव ब्लैक होल की तस्वीर लेने में सफल हो गए। यहाँ तक कि हमने जुपिटर के मून कैलिस्टो पर महासागर होने के भी सबूत मिले और सैटर्न के आईसी मून इंसेलेडस पर भी वाटर वेपर के फव्वारों को हमने खोज निकाला, बट इन सब के बावजूद प्लूटो के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। न्यू होराइजन मिशन ने हमें प्लूटो का एक स्नैपशॉट तो जरूर दिया, लेकिन ओनली प्लूटो के एक हिस्से की, पर इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जिससे इसने बहुत ही जल्द प्लूटो को पीछे छोड़ दिया। इसने लॉन्चिंग के 9 घंटे बाद ही मून की ऑर्बिट को पार कर लिया था, जहां अपोलो 11 मिशन को मून पर जाने में 4 दिनों से ज्यादा का समय लगा था। इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि नासा का अगला मिशन ऑर्बिटर मिशन ही होगा, जो प्लूटो की ऑर्बिट में रहकर उसका 2 साल तक स्टडी करेगा। इसके लिए नासा ने SWRI साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को मिशन की आइडिया और प्रोटोटाइप के लिए फंडिंग भी स्टार्ट कर दी है। ये ऑर्बिटर मिशन भी न्यू होराइजन के पाथ को फॉलो करते हुए प्लूटो तक जाएगा, फिर वहां 2 साल तक प्लूटो को ऑर्बिट करने के बाद उसके सबसे बड़े मून सैरोन की ग्रेविटी की मदद से ये प्लूटो की ऑर्बिट से बाहर निकलेगा और काइपर बेल्ट में अपने दूसरे सफर पर रवाना हो जाएगा। पिछले मिशन के दौरान काइपर बेल्ट में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट मिले जो पूरी तरह एक मिस्ट्री थे। अल्टिमा थूले जो उन्हीं में से एक था, तब इसने बताया अभी यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। इस मिशन में भी जेनोन आयन प्रोपल्शन सिस्टम का यूज होगा, जिसे डॉन मिशन में यूज किया गया था। लेकिन SWRI के डॉक्टर कार्ली होवेर जो इस मिशन को लीड कर रहे हैं, उन्होंने बताया ये मिशन न्यू होराइजन से बिल्कुल अलग और एडवांस होगा। हमारे उस मिशन के कम्युनिकेशन सिस्टम में 16 GB डाटा स्टोरेज था, जिससे सारी डाटा को धरती पर पहुंचने में 16 महीने का समय लगता था, लेकिन ये ऑर्बिटर के लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा। न्यू होराइजन एक छोटा स्पेसक्राफ्ट था जिससे इसकी डिस्क भी छोटी थी, लेकिन ऑर्बिटर मिशन इसके मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी होगी और इसका कम्युनिकेशन सिस्टम भी उससे कई गुना एडवांस होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2025 के बाद इस मिशन को लॉन्च किया जा सकता है और शायद प्लूटो के हट के अंदर डीप अंडरग्राउंड ओशन और सब सरफेस वाटर की तलाश भी पूरी हो जाए। क्या ये मिशन हमारे लिए जरूरी है और आप क्या सोचते हो प्लूटो के बारे में, कमेंट कर जरूर बताएं।